Hello everyone, so today we are going to start our poem which is from our book First Flight, and in this book we have already completed our first chapter which is A Letter to God. Now from here we will continue this book also simultaneously because of your periodic test. So I will complete two chapters and two poems from this, and in supplementary we have already completed our seven chapter. So let us start this poem. So this is the name of the poem is A Dust of Snow by Robert Frost, who is a very famous writer. So this is very short poem of 8 line. What it is in this poem is: the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. तो सबसे पहले इस पोएम का अगर हम मूड देखें तो इस पोएम के मूड से हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पे सैडनेस की बात हो रही है. यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ ऐसे ओमेन का यूज़ हुआ है जो कि सैडनेस को डिपिक्ट करता है, जैसे क्रो इज़ अ साइन ऑफ बैड ओमेन. सिमिलरली हेमलॉक इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ बैड ओमेन. थोड़ा सा सैड सा सीन क्रिएट करने की कोशिश की है पोएट ने. तो यहाँ वो उसमें कहते हैं कि जिस तरीके से एक क्रो जो है वो हेमलॉक ट्री पर आकर के बैठता है, उसके बैठने से उनके ऊपर जो उस हेमलॉक ट्री के नीचे जो पोएट खड़े हैं उनके ऊपर कुछ डस्ट ऑफ स्नो गिरती है. दैट मीन्स कि ऐसा इमेजिन कर सकते हो आप कि एक विंट्री स्नोई प्लेस है जिसमें हेमलॉक ट्री है, उसका शेप वैसा ही होता है जैसा क्रिसमस ट्री का होता है, जैसे पाइन ट्री का होता है, बिल्कुल वैसा ही. तो एक ऐसा ट्री है जिसके ऊपर स्नो है और एक क्रो जो है वो आ करके जब उसके ऊपर बैठता है, या उसका मूवमेंट तो खैर डिस्क्राइब नहीं किया गया कि वो किस तरीके से बैठा, हो सकता है वो आके बैठा हो या वो उस पर पहले बैठा था वो उड़ के गया हो या वो वहाँ से जस्ट मूव किया, उसकी वजह से पोएट के ऊपर हेमलॉक ट्री से जो डस्ट ऑफ स्नो है वो नीचे गिरा. सो बेसिकली इसमें ये डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो गिरा कैसे है, लेकिन हाँ ये बताया गया है कि डस्ट ऑफ स्नो जो है वो पोएट के ऊपर गिरता है. और क्यों गिरता है? क्योंकि जब क्रो जो है वो मूव करता है, उसके मूवमेंट से ऐसा होता है. सेकेंड स्टेंजा में क्या कहा जा रहा है? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड. तो जो डस्ट ऑफ स्नो गिरता है क्रो की वजह से, उससे क्या होता है, पोएट का हार्ट जो है वो मूड, हार्ट यहाँ पे उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया जस्ट फॉर राइमिंग. सो बेसिकली वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उसके गिरने से यहाँ पर पोएट का जो मूड है वो बदल जाता है. दैट मीन्स पोएट जो पहले दुखी थे, जब उनके ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो गिरता है तो उनका मूड चेंज हो जाता है. और वो आगे क्या बोलते हैं, उनके मूड चेंज होने से सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड. वो दिन जो वो बर्बाद करने वाले थे, र्यूड का मतलब क्या है, रिग्रेट में बिताना, दुखी होना. तो जो दिन वो अपना दुखी होकर के बर्बाद करने वाले थे वो दिन उनका बच गया बर्बाद होने से. अब इस पोएम का मूड क्या है, मूड ये है कि जो क्रो को हम बैड ओमेन समझते हैं, जिस क्रो के बारे में बेसिकली बात हो रही है कि जिन चीज़ों को हम बैड ओमेन की तरह मानते हैं वो हमारे लिए हमेशा बैड नहीं होता है, वो बुरा ही नहीं होता है. जैसे क्रो बैड ओमेन है लेकिन फिर भी उसके एक स्लाइट मूवमेंट की वजह से ही पोएट का जो मूड था वो चेंज हो गया, उनका दिन जो था वो अच्छा हो गया. तो ये बैड ओमेंस की जो चीज़ें होती हैं, ओमेंस मतलब बेसिकली जिसको हम अपशगुन कहते हैं, तो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती है. यहीं वो हमें मैसेज देना चाहते हैं बेसिकली कि क्रो जिसको हम बैड ओमेन मानते हैं, हेमलॉक जिसे हम सैडनेस का सिंबल मानते हैं, वो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं. उन एक क्रो के मूवमेंट से आपका मूड जो है वो चेंज हो सकता है. तो ही जस्ट स्लाइटली वॉन्ट टू गिव अस अ मैसेज दैट देयर इज़ नथिंग कॉल्ड बैड ओमेन और समथिंग लाइक दिस. एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस. हर एक चीज़ की अपनी अलग इम्पॉर्टेंस है. सो आई होप ये पोएम समझ में आ गई होगी, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सिंपल पोएम. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क मी. थैंक यू.